फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई, समर की मम्मी ढूंढते ढूंढते आ गई राधिका के पास कि गुनगुन कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है गुनगुन को, मुझे जल्दी से बताओ। उस लड़की के ऊपर थोड़ा दया करो, तुमको मम्मी मम्मी बोलती है और ना जाने क्या क्या। समर की मम्मी, आप यहाँ पर जो गुनगुन को खोजते खोजते आए हो राधिका की मम्मी के पास, आपको एक चीज़ तो समझ में आता है कि आपका बेटा का घर टूट रहा है, आपके बेटे की बहू राधिका सामने बैठी हुई है और आप यहाँ पे गुनगुन के लिए यहाँ पैरवी कर रहे हो कि गुनगुन कहाँ है, गुनगुन को ढूंढ के लाओ। अजीब हो आप। आप मुझे एक चीज़ बताओगे, अगर ये चीज़ आपके साथ होती, अगर आपके हस्बैंड आपके होते हुए किसी और गुनगुन जैसी लड़की के संग अगर संबंध रखते, प्रेग्नेंट कर देते, तो आप क्या करते? आप भी यही चीज़ करते? हाथ में हाथ दे के बैठे रहते? या उस गर्लफ्रेंड के लिए आपकी सास परेशान होती तो आपको अच्छा लगता? यहाँ पे तो आपको कहाँ अपने बेटे और बहू के घर को बसाने की कोशिश करनी चाहिए, आपको ये चिंता करनी चाहिए कि आपके बेटे और बहू दोनों जन मिल जाए, डिवोर्स ना हो, कुछ ऐसा ना हो, सब संबंध, आपसी संबंध सब ठीक हो जाए। अब ये सब में थोड़ी भी तिनका भर आप कोशिश नहीं करते हो, आप सिर्फ कोशिश करते हो कि गुनगुन कैसे क्या हो, गुनगुन कहाँ है, गुनगुन ठीक से रहे, समर गुनगुन अकेले अकेले रहे, मैं भाई रहूं गुनगुन के पापा के संग या तो अपने गांव में, पर यहाँ पे समर गुनगुन एक साथ अपना रहे, आराम से रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ध्रुव की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो और ना ही राधिका राधिका की मम्मी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। आप बस यही फिराक में रहते हो। आपको और आपके बेटे को पता नहीं क्या चाहिए, क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे जो चीज़ आपको करना चाहिए वो चीज़ तो आप एज अ मदर करते नहीं हो और यहाँ गुनगुन के लिए आप सोच में पड़े हो कि गुनगुन कहाँ है, मिलती क्यों नहीं है, और यहाँ गुनगुन के लिए आप राधिका की मम्मी का सर खा रहे हो। और राधिका की मम्मी, आप तो और एक जन हो, आप यहाँ गुनगुन को जो छुपा के रखे हो, तो छुपाने से तो कुछ होने वाला है नहीं, आज नहीं तो कल ठीक पता चलेगा। क्या पता कि आपके पीछे कोई पीछा करे, समरी पीछा करे, पीछा करते करते तो फट से गुनगुन मिल ही जाएगी जिस घर में आप लोगों ने उसको छुपाया है। तो यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा लोचा है और गुनगुन मिले ना मिले, इन सब का तो हमारा मिलकर सरदर्द करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जिसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।